ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम अध्याय 13 कैंटो 3 आज हम पढ़ेंगे इसकी समरी। हमने इसको चैप्टर को समाप्त किया है और चैप्टर का शीर्ष है कि भगवान वराह का अवतार किस प्रकार से होता है। तो चैप्टर शुरू होता है विदुर से। विदुर मैत्रेय ऋषि से स्वयंभू मनु के बारे में प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि इससे पिछले चैप्टर में हमने देखा कि स्वयंभू मनु के बारे में अंत में उन्होंने जिक्र किया कि स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा ब्रह्मा जी के शरीर में से निकले। हाँ, तो इसलिए ये इस चैप्टर के अंदर प्रश्न पूछते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर विदुर जो बोलते हैं कि कहते हैं कि जो भगवान के जो गुण हैं उनके बारे में सुनना और भक्तों के बारे में सुनना और प्रश्न पूछना ही जीवन का सार है वास्तव में। इसलिए आगे बताइए कि स्वयंभू मनु ने क्या किया, अपनी पत्नी के साथ कैसे वो जीवन बिताया और क्या किया। मैं बड़ा उत्सुक हूँ इसको जानने के लिए, क्योंकि हमने ऐसा सुनते हैं कि इन सारे राजाओं ने, जैसे कि खासतौर पर स्वयंभू मनु ने भगवान की शरण ली, क्योंकि तो साधारण राजा की कहानी नहीं पूछ रहे हैं। हाँ, कि संसार के सबसे बड़े देश के राजा के बारे में जब बताइए। हमने सुना है कि उस देश में एक नया राजा चुना गया, नया प्रेसिडेंट बनाया, जरा उसके बारे में तो बताइए। हाँ, ऐसा नहीं है। वो स्वयंभू मनु के बारे में इसलिए जानना चाह रहे हैं क्योंकि स्वयंभू मनु ने भगवान की शरणागति ली है। इसलिए स्वयंभू मनु के बारे में आप मुझे बताइए, यानी कि जो हमारे इंक्वायरी के विषय हैं। हाँ, अगर वो भगवान से रिलेटेड नहीं है तो हमें परम आनंद अल्टीमेटली नहीं देंगे, जीवन की सिद्धि नहीं प्राप्त कर पाएंगे, और कुछ सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। तो उसके बाद बताते हैं चौथे श्लोक में कि जो सुनना है गुरु से, जो सुनना है उसका जो सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो क्या है, गुरु से क्या सुना जाए। जैसे अक्सर हम देखते हैं गुरु या कोई सीनियर भक्त, उनको जीवन का बहुत सारा तजुर्बा हो जाता है क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस वो ले चुके होते हैं लाइफ में। हाँ, कई चीज़ों का उन्हें पता चल चुका होता है, इसलिए कई बार हम उनसे बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछने लगते हैं जो वास्तव में परम उद्देश्य नहीं है। अपने बिजनेस के बारे में कुछ जानकारी, आपको क्या लगता है ये बिजनेस मेरा चलेगा क्या, हाँ मैं इस बिजनेस को चला लूँ, बहुत सारे ऐसे प्रश्न, मैं ये वाली नौकरी कर लूँ क्या, इसमें मेरा सही रहेगा। तो ठीक है, एक आशीर्वाद की तरह पूछना एक अलग चीज़ है, बट जनरली हम इस तरह के पूछ, लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं विदुर कि पूछने का पर्पज़ क्या है, अल्टीमेटली भगवान और उनके भक्तों के बारे में, उनके गुणों के बारे में जानना। हाँ, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए जब हम किसी वैष्णव से सुनते हैं। तो उसके बाद मैत्रेय ऋषि जो है बताना शुरू करते हैं। तो मैत्रेय ऋषि बताते हैं कि मनु यानी कि स्वयंभू मनु, क्योंकि प्रश्न ये था कि स्वयंभू मनु ने क्या किया, तो ये बताते हैं 6 से 15 श्लोक में कि मनु क्या प्रश्न पूछते हैं और भगवान ब्रह्मा जी उसको क्या उत्तर देते हैं। तो मनु जो है पूछते हैं कि आप जो हैं, हे ब्रह्मा, आप सभी जो ये जो जीवात्माएं हैं इनको आप ही ने शरणागति दी है, क्योंकि आप ही की वजह से इनको शरीर मिलने वाला है ना, क्योंकि ब्रह्मा जी ये संसार को बना रहे हैं और हमारे शरीरों को बना रहे हैं जिसके अंदर ये आत्माएं जाएंगी, तो आप ही हैं इनके एकमात्र सहारा। हाँ, इस देख तरह से देखा जाए तो मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ, कृपया मुझे बताएं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारे जीवन का अक्सर प्रश्न यही होना चाहिए। आप देखेंगे शिला प्रपाद अपने गुरु महाराज से यही पूछते थे, हाउ कैन आई सर्व यू। आप बोलते थे मैं तो एक गृहस्थ हूँ, आपके साथ ब्रह्मचारी रहते हैं, सन्यासी लोग रहते हैं, मैं तो अपनी दुकान में अपने बिजनेस में रहता हूँ, मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ ये बताइए। अक्सर हम चर्चा करते हैं कि हम साथ में कैसे रह सकते हैं, है ना। हम बेसिकली उन सब के पीछे कहीं ना कहीं ये हिडन एजेंडा है या हमारे विचार हैं कि हम कैसे इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन इंजॉय करने से बेहतर है हाउ कैन आई सर्व यू। अगर हमारा ये प्रश्न रहेगा जब भी हम वैष्णव के बीच में रहते हैं तो हमारे दिमाग में ये चिंतन होगा कि हाउ कैन आई सर्व। अक्सर हमारे दिमाग में चिंतन कुछ और रहता है, हमारे दिमाग में चिंतन ही आ जाता है हाउ कैन आई एन्जॉय, है ना। जैसे मैं अक्सर चर्चा करता हूँ कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उस लिमिटेड रिसोर्सेज में हमारे अक्सर ये विचारा जाता है कि मेरे को कैसे मिल जाए, क्योंकि पता है कि यदि मैंने जल्दी नहीं मचाई तो खाना खत्म हो जाएगा, प्रसादम खत्म हो जाएगा। अगर मैं जल्दी से नहीं बैठा बस में तो सारी सीटें खत्म हो जाएंगी। और मुझे मतलब इस तरह के विचार हमारे दिमाग में आते हैं, लेकिन अगर ये विचार आ जाए हाउ कैन आई सर्व, तो आप देखेंगे कि हमें रियल आनंद मिलेगा। क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने हमें समझाया कि जीवेर स्वरूप है
नित्य कृष्णदास, कि जीव का स्वरूप क्या है, कि वो भगवान का नित्य दास है, इटर्नल सर्वेंट। और प्रभुपाद कहते थे कि जैसे चीनी का स्वभाव मिठास है, नमक का स्वभाव नमकीन होना है, इसको अलग नहीं कर सकते उससे, यही तो उसका स्वभाव है। उतना जीव का स्वभाव है सेवा करना, लेकिन हम अक्सर इस संसार में सेवा लेने में ज़्यादा समय बिता देते हैं, इन द सेंस कि इंजॉय करने में, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल दिए, इससे हमें टेम्परेरीली अच्छा लगता है। हाँ, हमें लगता हाँ पता है, मैंने तो फटक से लाइन के बीच में से उधर से घुस गया, मुझे तो मिल गया, मेरे बाद वालों के लिए तो प्रसाद खत्म ही हो गया था, मैंने तो बाजी मार ली। हाँ, ये मेंटली थोड़ी देर के लिए आपको आनंद आता है, लेकिन वो जो संतोष है, हाँ, क्योंकि ये जो संसारिक अचीवमेंट्स हैं ये हमें संतुष्टि प्रदान नहीं करती हैं, संसारी अचीवमेंट्स हमारे को और एजिटेट कर देती हैं, और प्राप्त करने के लिए, और प्राप्त करने के लिए, और इस प्रकार से हम जलते रहते हैं। लेकिन जो सेवा में संतुष्टि है, क्योंकि हमारा स्वरूप ही यही है, हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने स्वरूप को अपने से अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि मिठास से चीनी को अलग करने का प्रयास कर रहे हैं, उसी तरह से जो सेवा भाव है, बड़ी तेजी से हम लोग अपने से इसको दूर करने का प्रयास कर। समाज में एक नया मंत्र है, कैसे स्मार्टली काम किया जाए, मतलब बिना काम करे कैसे ऊपर बढ़ा जाए। काम तो सभी करते हैं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि बिना काम करे कैसे ऊपर बढ़ा जाए। और यही फिलॉसफी हम भक्ति में भी लगाने लगते हैं। हम यहाँ पर भी आते हैं तो हम यही देखते हैं कैसे हम गुड बुक्स में आ जाएं, कैसे नंबर बढ़ा लें, लेकिन जो फिलॉसफी है, जो उसके बेसिक्स हैं, यानी कि सेवा, ह्यूमिलिटी, फॉरगिवनेस, टॉलरेंस, इसको हम भूल जाते हैं। इसलिए स्वयंभू मनु इतने बड़े व्यक्ति होते हुए भी ब्रह्मा जी के सामने क्या बोलते हैं, हाउ कैन आई सर्व यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ। और ब्रह्मा जी का आंसर देखिए, तुरंत जब भी हम ऐसा प्रश्न पूछेंगे, हम देखेंगे हमने सामने वाले के मन को जीत लिया। क्योंकि इस संसार में बहुत कम लोग हैं जो सेवा करना चाह रहे हैं। यही बातें सुमित्रा अपने बेटे को, लक्ष्मण को बताती हैं। क्या बताती हैं कि बेटे तुम्हारे लिए कोई कंपटीशन नहीं है, यहाँ भरत की लड़ाई चल रही है, कि माँ केकई ने वरदान मांग लिए है कि भरत जाएगा, वो राजा बनेगा, ये जंगल में जाएगा। बोले तुम्हें डरने की जरूरत, तुम इस झगड़े से दूर हो, क्योंकि तुम तो राम के सर्वेंट हो, तुम्हें तो चाहिए ही नहीं कुछ। और आप ध्यान रखना लक्ष्मण, सर्विस करने वालों में कभी कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि सर्विस करने वालों की कमी हमेशा रहेगी संसार में। नाम कमाने वालों की, दिखावा करने वालों की कभी कमी नहीं रहेगी, वहाँ पे हमेशा कंपटीशन होगा, लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, तू आगे या मैं आगे। वो केकड़े की तरह एक दूसरे की टांग को खींचते रहेंगे, दूसरा व्यक्ति आगे कैसे चला गया, मेरा कैसे आ गया, मेरा नाम कैसे नहीं हुआ। लेकिन जो वास्तव में सेवा करने जाएगा, वहाँ कोई कॉम्पिटिशन नहीं होगा, क्योंकि सेवा करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। तो इसलिए ब्रह्म जैसे ही हम ये भाव प्रकट करते हैं किसी के भी सामने, ये ध्यान रखिए, ये आपके रिश्तों में भी चलता है, पति पत्नी के बीच में भी, हर रिश्ते में चलता है। यदि हम ये समझ जाएं, हाई हाउ कैन आई सर्व, दैट्स इट। इसने ये क्यों नहीं किया, इसने ऐसा क्यों नहीं किया, इसने मेरे साथ, मेरी पत्नी ने मुझे पूरे दिन ऑफिस में फ़ोन नहीं किया, या पत्नी कहेगी पूरे दिन मैं ऑफिस में बैठा रहता है, मुझे फ़ोन नहीं किया, तो अल्टीमेटली ये सारे डिज़ायर्स क्या हैं, मुझे सर्व क्यों नहीं किया गया। कभी हम इस बात पर विचार नहीं करते कि मैंने सर्व किया कि नहीं। तो जैसे ही ऐसा करते हैं, सामने वाले का हृदय परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी जैसे ही सुनते हैं, तो ब्रह्मा जी एकदम से क्या बोलते हैं, मैं बड़ा आपसे बड़ा प्रसन्न हूँ, आपने बिल्कुल बिना रिजर्वेशन के मुझ पे, जो महान व्यक्ति होते हैं वही ऐसा कर पाते हैं, बिना किसी ईर्ष्या के आपने इसको सरेंडर किया है, और इसके बारे में बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी जो है तीन चीज़ें बोलते हैं कि तुम क्या करो, पहली चीज़ तुम संसार में संतान उत्पत्ति करो, जो कि तुम्हारे जैसे होने चाहिए, यानी कि अनाप शनाप संतान उत्पन्न नहीं करनी है, कुत्ते बिल्ली की तरह इंद्रिय तृप्ति के लिए संतान उत्पत्ति नहीं करनी है, हाँ कि वी आर एंजॉइंग, तो चलो बच्चा भी पैदा हो गया तो कोई बात नहीं, ऐसा बच्चा पैदा करो जो तुम्हारे जैसा गुण में हो। तो हमारे हाथ में क्या है प्रभु जी, इसमें है, शास्त्र बताते हैं कि कैसे उत्तम संतान पैदा करी जाए, तो जो भी है उसका प्रोसेस है। तो आप अपने जैसी संतान पैदा करिए, दूसरा संसार में आप राजा बनिए, और बड़े ही धार्मिकता से लोगों को राज्य चलाइए, यानी कि सबको भगवान की सेवा में लगाइए, ये राजा का धर्म है। हाँ, और तीसरा आप खुद भी, ये नहीं कि आप राजा हैं तो आप भगवान की सेवा नहीं करेंगे, दूसरों को लगाइए और खुद भगवान की सेवा में लगिए, बस ये तीन काम आपको करना है। कौन से, कि आप अपने जैसे संतान उत्पत्ति करिए, सारी प्रजा को भक्ति में लगाइए, और खुद भी भक्ति में लगिए, और इस प्रकार से तुम जो है सबसे बड़ी सर्विस करोगे मेरे लिए,
और भगवान कृष्ण तुमसे प्रसन्न होंगे, इस प्रकार से बोलते हैं। और फिर बोलते हैं 13वें श्लोक में कि जो व्यक्ति इस तरह से नहीं सोचता है और जो व्यक्ति अपना जीवन अपने हिसाब से जीना चाहता है, कृष्ण की भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं जीना चाहता है, वो व्यक्ति कभी प्रसन्न नहीं रह पाता है, उसके सारे कार्य बेकार रह जाते हैं, श्रम रह जाते हैं। 14वें से 15वें श्लोक में मनु कहते हैं जैसा आपकी आज्ञा, जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन मेरी एक शंका है, मैं संतान उत्पत्ति तो करूंगा, जीवों की वृद्धि करूंगा, लेकिन पृथ्वी कहाँ है? पृथ्वी नहीं दिख रही है, पृथ्वी पाताल के नीचे भी गर्भोदक सागर में डूब गई है। आप पृथ्वी को तो निकालिए। अब ब्रह्मा जी चिंता में पड़ जाते हैं, पृथ्वी कहाँ गई? वो सोच ही रहे थे हाँ इस बारे में। 18वें से 19वें श्लोक में हम सुनते हैं कि अचानक से उनकी नाक में से एक अंगूठे के आकार का सूकर निकल जाता है, जो थोड़ी देर में आसमान में एक बहुत भयंकर रूप धारण कर लेता है। और ये देख के 20वें श्लोक में ब्रह्मा जी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये व्यक्ति कौन है, और अपने पुत्रों के साथ चर्चा में लग जाते हैं, कहीं ये स्वयं भगवान तो नहीं। 23वें से 24वें श्लोक में हाँ भगवान जो सारे यज्ञों के भोक्ता हैं, वो जोरदार गर्जना करते हैं। हाँ उनकी गर्जना सुनकर 25वें श्लोक में सारों तरफ एक मधुर माहौल बन जाता है। सब लोग समझ जाते हैं कि ये और कोई नहीं है, ये तो भगवान है। जन तप सत्य लोक के लोग इस गर्जना का प्रत्युत्तर देते हैं वैदिक मंत्रों को जप कर। उधर से भगवान गर्जना कर रहे हैं, उधर से वो वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगे। समझ में आ गया भगवान आ गए हैं। तो उसके बाद बताते हैं कि ये भगवान कौन है। सारे वेदा सारे जितने भी शास्त्र हैं उसका साक्षात रूप स्वयं भगवान है। उसके बाद जो है भगवान अपना आसमान में चले जाते हैं और अपने बालों को इस तरह से हिलाते हैं और वो चारों तरफ ऐसा देखते हैं, सब उनके सुंदर रूप को का दर्शन करते हैं। हमने सुना कैसे भगवान का रूप जो है सूकर में भी बड़ा ही सुंदर होता है। इस प्रकार से भगवान का अवतार आता है। और उसके बाद भगवान जो है पृथ्वी को निकालने के लिए जल में कूद जाते हैं, और जल में जब कूदते हैं तो ऐसा लगता है कि उन्होंने समुद्र को चीर के रख दिया, क्योंकि बहुत 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 विशाल आकृति होती है। हाँ तो समुद्र में इतनी बड़ी लहरें उठती हैं जैसे समुद्र बीच में से फट गया हो। हाँ और इस प्रकार से कूद के वो उसके तल पे चले जाते हैं, एकदम तल पे चले जाते हैं, और तल पे वहाँ उनको पृथ्वी दिखती है और वो उसको अपने हाथों से उठा लेते हैं, अपने जबड़े के ऊपर फंसा लेते हैं। उसके बाद 31वें से 33वें श्लोक में हम सुनते हैं कि भगवान जो है इसी बीच क्या करते हैं, हिरण्याक्ष का वध कर देते हैं। अब ये चर्चा अभी हमने ज़्यादा नहीं करी, क्योंकि ये एक अलग तरीके से हम चर्चा करेंगे कैसे जय विजय संसार में आए। तो ये चर्चा अभी यहाँ पर जस्ट इतना ही बताया गया कि हिरण्याक्ष को वो ऐसे मार देते हैं जैसे एक शेर एक हाथी को मार देता है, यानी कि हिरण्याक्ष भी कोई कम नहीं था, अपने आप में भयंकर व्यक्ति था। हमने सुना कैसे संसार में वो यही ढूंढता रहता था मुझसे कौन लड़ेगा। तो उसको समाप्त करते हैं। हाँ तो ऐसा हम सुनते हैं कि हर मन्वंतर में हिरण्याक्ष का वध नहीं किया था, किसी एक मन्वंतर में वध किया था, किसी दूसरे मंत्र में वध नहीं भी किया था, खाली पृथ्वी को निकाला था, इस तरह की चर्चाएं होती हैं। ओके इसके बाद जब पृथ्वी को लेकर जब ऊपर आते हैं और पृथ्वी को अपने मुंह के ऊपर रख लेते हैं, तो दृश्य इतना मनोहर होता है, उस दृश्य को देखकर जो ऋषिगण होते हैं उच्च लोगों के, वो भगवान की वर्शिप करने लगते हैं। भगवान की वर्शिप कैसे करते हैं वो लोग? वो वर्शिप करते हैं भगवान की गुणगान करके। हाँ तो वो भगवान के शरीर के अंगों को कंपेयर करते हैं, जैसे आपकी जो स्किन है वो वेदों के मंत्र हैं, आपके जो बाल हैं वो कुशाग्रास है, आपकी जो आँखें हैं वो स्वयं घी है आज्ञम है, आपके जो चार पैर हैं वो होता है, जो भी है अलग अलग यज्ञों के अलग अलग चीज़ों से उसको मैच करते हैं। हाँ यज्ञ के अंदर जो भी चीज़, जैसे आपकी टंग है जो वो स्रक है, स्रक जो सेक्रीफिशियल यज्ञ के लिए जो लैडल है वो आपकी जीव है, इस तरह से हर चीज़ उनके शरीर के हर अंग को कंपेयर करें, यानी कि साक्षात जो यज्ञ के भोक्ता आप ही हैं, यानी कि संसार में कोई भी कर्म यदि किया जाए तो आप ही की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। इस तरह से वो उनको बहुत अच्छी सुंदर ग्लोरिफिकेशन वो भगवान की करते हैं। उसके बाद 40वें से 41वें श्लोक में वो बोलते हैं कि अब जब उस अर्थ जो है आपके ऊपर रखी है, हाँ तो ऐसा लगता है कि एक हाथी ने एक सुंदर कमल का फूल को उठा रखा है, या एक बहुत सुंदर पर्वत उसके ऊपर बादल मंडरा रहे हैं, ऐसा रूप लग रहा है। हाँ इस प्रकार से वो बोलते हैं, वो बोलते हैं कौन है आपके अलावा ऐसा कौन है
जो इस प्रकार से पृथ्वी का उद्धार कर सकता है। हाँ, लेकिन आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपकी तो छोटी सी शक्ति से आप ये कर सकते हैं, आप सारे संसार को चला रहे हैं। हाँ, तो ये आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और फिर बोलते हैं अंत में ग्लोरिफिकेशन करते हुए कि आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो अनलिमिटेड हैं। हाँ, उनको बखान नहीं करा सकता है। हम श्रीमद् भागवतम में जब भगवान की कुछ एक्टिविटी सुनते हैं, वो केवल छोटा सा एक नमूना है भगवान की एक्टिविटीज़ का। और इसके बाद हम सुनते हैं 46 से 50वें श्लोक में कि भगवान अर्थ को, पृथ्वी को पानी के ऊपर रखकर अपने धाम में चले जाते हैं। और हमने सुना किस प्रकार से भगवान के लिए कोई अद्भुत कार्य नहीं है कि कैसे पृथ्वी को पानी में चलाया जाए, क्योंकि वो हवा में बहुत सारे प्लैनेट्स को ऑलरेडी चला रहे हैं। इस प्रकार से भगवान के एक अनोखे अवतार के बारे में हमने सुना, किस प्रकार से वराह अवतार आते हैं और किस प्रकार से वो पृथ्वी को जल से निकालते हैं, हिरण्याक्ष का वध करते हैं, और इस बीच बहुत सारे भक्तों को प्रसन्न करते हैं और हमारे लिए एक सुंदर लीला छोड़ के चले जाते हैं, जिसका बखान हम हमेशा करते रहे हैं, करते रहेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।